सो ये है Realme Buds T300 और ये है Oppo Enco Buds 2। रिसेंटली मैंने Realme Buds T300 के ऊपर एक डिटेल रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी। उसमें मुझे मेनली Realme Buds Air 3S, Boat Nirvana Ion, OnePlus Nord Buds 2R और Oppo Enco Buds 2 के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आए थे। ऑलरेडी Realme Buds Air 3S से इसकी कंपैरिजन वीडियो बनाई है, साथ ही Boat Nirvana Ion और Nord Buds 2R से भी इसकी कंपैरिजन की है। उन दोनों ही वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आज के इस वीडियो में Realme Buds T300 और Oppo Enco Buds 2 को डिटेल में कंपेयर करेंगे। दोनों की एग्जैक्ट ऑडियो आपको सुनाऊंगा। दोनों की प्राइस में लगभग 600 रुपये का डिफरेंस है। Oppo की प्राइस 1800 रुपये है और Realme Buds T300 2300 रुपये के आते हैं। वैसे अभी कुछ ही दिनों पहले सेल में Oppo Enco Buds 2 सिर्फ 1200 के मिल रहे थे। OnePlus Nord Buds 2 को मैंने सिर्फ 1600 में परचेस किया था और ये Honor Magic Watch 2 1200 रुपये वाली स्मार्ट वॉच सिर्फ 5500 की मिल रही थी, जो कुछ ही देर में आउट ऑफ स्टॉक भी हो गई। दोस्तों ऐसी डील्स कुछ ही मिनटों के लिए लाइव होती है, अगर इन्हें मिस नहीं करना चाहते तो अभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहां पर ऐसी लाइटनिंग डील्स हर कुछ मिनटों में अपडेट होती रहती है। वैसे अभी कुछ ही दिनों में बिग बिलियन डे सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल भी स्टार्ट होने वाली है, तभी आपके काम आ सकता है। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं इनके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। दोनों ही डिफरेंट लुक्स और डिजाइन के साथ आते हैं। वैसे दोनों को ही मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया है। यहाँ पर लुक्स और डिजाइन अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों ही बेस्ट है। पर्सनली मुझे Oppo Enco Buds 2 का डिजाइन थोड़ा सा बेटर लगा। कंप्लीट सर्कुलर शेप और स्लिम डिजाइन के साथ आते हैं, तो कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। लेकिन Realme का डिजाइन भी डिसेंट है। बिल्ड क्वालिटी दोनों की लगभग सेम ही है। अगर ईयरबड्स की बात करें तो यहाँ पर दोनों में ही फुल स्टेम इन ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स मिलेंगे। दोनों के ईयरबड्स का डिजाइन लगभग सेम है, लेकिन Oppo Enco Buds 2 के स्टेम की साइज Realme T300 से थोड़ी ज्यादा है। इसके अलावा ज्यादा कुछ डिफरेंस आपको दोनों में देखने को नहीं मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी दोनों की अच्छी है और फिटिंग और कंफर्ट के मामले में दोनों ही लगभग सेम है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों की IP रेटिंग में है। Oppo Enco Buds 2 में आपको IPX4 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलेगी, वही Realme T300 IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आते हैं। सो IP रेटिंग के मामले में Realme क्लियरली विनर है। देखो लुक्स और डिजाइन को अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन प्राइस के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी के लिए मैं दोनों को ही दूंगा 4.5/5। जल्दी से एक बार दोनों के ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो Oppo Enco Buds 2 आते हैं 10mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, ASN SBC ऑडियो कोडेक, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी, है मेलोडी ऐप का सपोर्ट, डुअल माइक्रोफोन्स, AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, वॉइस असिस्टेंट, IPX4 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, 80 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप सी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 120 मिनट्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 28 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। इसके अलावा Realme Buds T300 आते हैं 12.4mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, ASN SBC ऑडियो कोडेक, डॉल्बी एटमॉस, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी, Realme लिंक ऐप का सपोर्ट, क्वाड माइक्रोफोन्स, AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अप टू 30 dB नॉइस रिडक्शन, वॉइस असिस्टेंट, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, 50 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप सी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 40 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। सो स्पेसिफिकेशन के मामले में नो डाउट Realme Buds T300 Oppo Enco Buds 2 से काफी बेटर है। इनमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, बड़े ड्राइवर्स, क्वाड माइक्रोफोन सेटअप और बेस्ट बैटरी लाइफ मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको 600 रुपये एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा। इसके अलावा दोनों में आपको डेडिकेटेड एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलेगा, जिसके लिए आप इन दोनों की रिव्यू वीडियोस को देख सकते हो। प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक फीचर्स आपको दोनों में ही मिलते हैं। सो ओवरऑल ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के लिए दोनों को ही मैं दूंगा 4/5। अब बात करते हैं इनकी माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की। तो सबसे पहले इनकी माइक क्वालिटी के ऑडियो सैंपल सुन लो। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो इसके माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो अभी हम बाहर ट्रैफिक कंडीशन में इसके माइक क्वालिटी को टेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। तो ये कॉलिंग टेस्ट है इंडोर कंडीशन में Realme Buds T300 के माइक्रोफोन की, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी हम बाहर हेवी ट्रैफिक कंडीशन में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, बाहर ट्रैफिक की नॉइज बहुत ज्यादा है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। देखो अगर माइक क्वालिटी की बात करें तो Realme T300 Oppo Enco Buds 2 से थोड़े बेटर है। इनमें आपको क्वाड माइक्रोफोन का सेटअप मिलेगा, सो इंडोर्स और आउटडोर्स में कॉलिंग के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कॉलिंग के लिए मैं आपको Realme T300 को ही सजेस्ट करूंगा, लेकिन प्राइस के हिसाब से Oppo Enco Buds 2 भी डिसेंटली वर्क करते हैं, इनमें भी आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की, तो यहाँ पर क्लियरली Realme T300 विनर है। Oppo में आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट नहीं मिलेगा। वैसे Realme T300 के एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को मैंने इसकी रिव्यू वीडियो में टेस्ट किया है, इस वीडियो के बाद आप उसे भी देख सकते हो। सो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से माइक क्वालिटी के लिए Oppo Enco Buds 2 को मैं दूंगा 4/5 और Realme को दूंगा 4.5/5। अब बात करते हैं दोनों की गेमिंग परफॉर्मेंस की।
सो ओप्पो में 80 मिलीसेकंड और रियल में 50 मिलीसेकंड की लेटेंसी को क्लेम किया गया है। तो देखते हैं एक्चुअल में दोनों की लेटेंसी में कितना डिफरेंस है। सो देखो गेमिंग के मामले में क्लियरली रियलमी T300 विनर है। लेटेंसी इसमें आपको काफी कम देखने को मिलेगी। अगर आप थोड़ी प्रो लेवल की गेमिंग भी करते हो तो मैं आपको रियलमी T300 को ही सजेस्ट करूंगा। लेकिन अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हो और आपका बजट भी कम है तो ओप्पो एनको बर्स्ट 2 के साथ भी जा सकते हो, लेकिन लेटेंसी इसमें आपको थोड़ी ज्यादा मिलेगी। सो ओवरऑल गेमिंग के लिए ओप्पो एनको बर्स्ट 2 को मैं दूंगा 4 out of 5 star और रियलमी को दूंगा 4.5 out of 5 star। अब बात करते हैं इनके मेन साउंड क्वालिटी, वोकल्स और बेस की। तो इस हाइकोलॉजी स्टीरियो माइक्रोफोन से इनकी एग्जैक्ट ऑडियो आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले इनके वोकल्स को टेस्ट करते हैं, उसके बाद बेस को। तो सबसे पहले वोकल टेस्ट। So, देखो ऑडियो क्वालिटी के मामले में अभी भी ओप्पो इनको बर्स्ट 2 एक अच्छे TWS है और रियलमी T300 को अच्छी टक्कर दे रहे हैं। यहाँ पर वोकल्स की क्वालिटी आपको ओप्पो इनको बर्स्ट 2 में थोड़ी बेटर मिलेगी। क्लियरिटी और साउंड की क्वालिटी भी ओप्पो इनको बर्स्ट 2 में थोड़ी अच्छी है। रियलमी बर्स्ट T300 के वोकल्स भी डिसेंट है, बट पर्सनली मुझे ओप्पो इनको बर्स्ट 2 के थोड़े से बैलेंस लगे। लेकिन बेस आपको रियलमी बर्स्ट T300 में थोड़ा ज्यादा मिलेगा। पंची बेस इफेक्ट आपको दोनों में ही मिलता है, लेकिन बेस की क्वालिटी रियलमी बर्स्ट T300 में थोड़ी सी बेटर है। इसके अलावा रियलमी T300 में आपको कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आप अपने हिसाब से ऑडियो आउटपुट को ले सकते हो, जो ओप्पो के एप्लीकेशन में आपको देखने को नहीं मिलता। फिर भी बैलेंस ऑडियो क्वालिटी आपको ओप्पो इनको बर्स्ट 2 में मिलती है और थोड़ा एक्स्ट्रा बेस आपको रियलमी बर्स्ट T300 में मिलेगा। सो ऑडियो क्वालिटी के लिए दोनों के मैं 4.5 out of 5 star की रेटिंग दूंगा, लेकिन अगर प्राइस को कंसिडर करें तो ओप्पो इनको बर्स्ट 2 4.7 की रेटिंग्स डिजर्व करते हैं। अब बात करते हैं इनके फाइनल कंक्लूजन की। अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के साथ बेस्ट ऑडियो क्वालिटी, कॉलिंग, बैटरी लाइफ और डिसेंट बिल्ड क्वालिटी वाले एक ऑलराउंडर TWS चाहते हो तो रियलमी बर्स्ट T300 के साथ जा सकते हो, जो सेल में आपको 2000 रुपये तक भी मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बजट कम है और ऑडियो क्वालिटी से जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो ओप्पो इनको बर्स्ट 2 मेरी तरफ से आपको हाईली रिकमेंडेड रहेंगे। वैसे सेल में आप इन्हें 1500 रुपये के अंदर भी परचेस कर सकते हो। तो लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा कि अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करो तो इनमें से किसी एक को चूज करने में आसानी होगी। वैसे दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इनके करंट प्राइस को चेक कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।